तो भाई बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि आफ्टर मार्केट जो मोबाइल फ़ोन के फोल्डर्स डिस्प्ले आते हैं उनके क्वालिटीज़ के बारे में। और बाय मिस्टेक आज मेरे पास में बहुत सारे मोबाइल फ़ोन के फोल्डर्स हैं जिनका जो क्वालिटी है वो इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। एक्चुअली ये जो जितने भी सारे फोल्डर्स हैं ना ये मेरे दुकान पे होते हैं, बट बाय मिस्टेक ये जो सारे फोल्डर हैं आज मेरे पास में मेरे घर पे हैं, मेरे स्टूडियो पे हैं। तो अभी मैं एक एक करके आपको सारे जो आफ्टर मार्केट फोल्डर्स हैं वो दिखाऊँगा। साथ आपको कौन से ब्रांड का जो फोल्डर है उसमें क्या वारंटी मिलता है, उसमें क्या क्वालिटी मिलता है, क्या सारी प्रोसीजर होते हैं इसको फिटिंग करने का, इसको बाय करने का, सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर ये जो वीडियो है ना इसको एंड तक देखते रहना, आपको काफी सारे इन्फॉर्मेशन फोल्डर्स के बारे में मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो भाई सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे एक ब्रांड की, जो भी ब्रांड का जो आफ्टर मार्केट फोल्डर है उसको मैं सबसे ज़्यादा प्रीफर करता हूँ और वो है मोक्सी। ये जो ब्रांड है मोक्सी ब्रांड है, इस ब्रांड का जो फोल्डर्स है ना वो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का फोल्डर्स लगते हैं। अभी मैं आगे आपको दिखाऊँगा इसका क्वालिटी को। बाकी इसमें जो वारंटी वाला प्रोसीजर है वो ये है कि आप अगर अपना जो डिस्प्ले है उसको लगाने के बाद में अगर टच में किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आता है तो 6 महीने के अंदर में आपको जो फोल्डर है वो रिप्लेस करके दे दिया जाएगा। अगर आप फ़ोन को फिटिंग भी कर देते हो, यानी डिस्प्ले को आप फ़ोन के अंदर में फिट करते हो, उसके बाद में टच रेस्पॉन्स में या फिर कहीं पर टच से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आता है, या फिर कई बार क्या होता है कि हम फिटिंग करने के बाद में जो डिस्प्ले और टॉर्च है दोनों के बीच में जो पेस्टिंग होता है, पेस्टिंग जो है निकल जाते हैं, कई बार जो है स्पॉट बन जाते हैं। तो किसी भी तरीके से डिस्प्ले में कोई भी प्रॉब्लम आता है टच सिस्टम में तो वहाँ पे आपको जो है 6 महीने के अंदर में जो रिप्लेसमेंट है इस ब्रांड का आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी आप सबसे पहले ये जो डिस्प्ले है ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ऊपर के साइड में आपको जो मोक्सी ब्रांड है वो देखने को मिल जाएगा। अभी इसका जो क्वालिटी है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, क्वालिटी काफ़ी अच्छे क्वालिटी का आपको देखने को मिल जाएगा। ऊपर के साइड में आपको जो ब्रांडिंग वगैरह है वो देखने को मिलता है। इसके नीचे के साइड में आपको जो भी सारा इसका इन्फॉर्मेशन है, मॉडल नंबर वगैरह है, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। और इसकी जो फिटिंग्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। यहाँ पर सारे जगह के ऊपर में आपको टेपिंग और जो मास्किंग है वो देखने को मिलता है। तो एक तरीके से आप जो मोक्सी ब्रांड का डिस्प्ले है ना आफ्टर मार्केट उसके ऊपर में जा सकते हो। बट यहाँ पे देखने वाली है कि जो ओरिजिनल फोल्डर होते हैं वो ओरिजिनल होते हैं भाई, बट जो आफ्टर मार्केट जो फोल्डर्स बेस्ट फोल्डर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं वो आप इस टाइप का जो फोल्डर्स है इसके ऊपर में जा सकते हो। अभी ये तो हो गया Mi 9A के जो फोल्डर्स है इसके ऊपर में। अभी मैं आपको Mi A3 का जो फोल्डर है वो दिखाता हूँ। ठीक है, Mi A3 जो एक मॉडल आता है जिसमें कि आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है देखने को मिल जाता है। बट यहाँ पे जो मोक्सी ब्रांड का जो फोल्डर्स है इसके ऊपर में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट जो है काम नहीं करेगा, ना ही ये जो फोल्डर्स है ये OLED पैनल डिस्प्ले है। ये जो डिस्प्ले ये जो Mi A3 है इसमें OLED पैनल डिस्प्ले आता है, बट यहाँ पे हम जो फोल्डर अभी इसमें कर रहे हैं वो जो है LCD पैनल डिस्प्ले है। फिर भी इसका जो क्वालिटी है आप यहाँ पे देख सकते हो, काफी बढ़िया क्वालिटी का, काफी ज्यादा नीट एंड क्लीन क्वालिटी का आपको जो डिस्प्ले है, जो ब्राइटनेस है, जो टच रेस्पॉन्स है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप अगर बहुत ज्यादा पैसा खर्चा नहीं करना चाहते हो तो मोक्सी ब्रांड का जो डिस्प्ले है उसको लगा सकते हो। एक्चुअल में ये जो Mi A3 है ना इसका आप अगर ओरिजिनल डिस्प्ले को चेंज करने के लिए जाओगे तो लगभग आपको जो है 3,500 रुपीज़ आराम से जो है लग जाएगा। 3,500-4,000 रुपये के बीच में ही इसका जो ओरिजिनल डिस्प्ले है ये आता है। अगर आप ये जो फ़ोन है इसको मार्केट में खरीदने जाओगे, बेचने जाओगे तो आपको 4,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, तो इसमें ओरिजिनल डिस्प्ले लगाने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो इसलिए आफ्टर मार्केट हम जो है प्रीफर करते हैं। बट जो आफ्टर मार्केट भी अच्छे क्वालिटी का डिस्प्ले है ना वो यहाँ पर आप देख सकते हो, क्या इसका क्वालिटी है आप देख सकते हो। अगर हम इसके बारे में, इसके जो प्राइसिंग है इसके बारे में बात करें तो ये आपको जो है जो कस्टमर रेट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, होलसेल रेट मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको होलसेल रेट जानना है तो उसके बारे में मैं डिटेल में किसी और वीडियो में बात करूँगा। बट ये जो कस्टमर रेट है वो आपको 1,000 से 1,200 के रुपए में आपको फिटिंग करके दे दिया जाएगा। उसके अलावा ये जो 9A है इसका जो कॉस्टिंग है वो 1,000 रुपीज़ है। कस्टमर रेट में आपको बता रहा हूँ, आप अगर एज ए कस्टमर किसी दुकान में लगवाने के लिए जाते हो तो आपको 1,000 रुपये देना पड़ेगा ये जो डिस्प्ले है इसको चेंज करने के लिए। बाकी इसका जो होलसेल रेट है वो और भी सस्ते दामों पर मिलता है, क्योंकि दुकान का भी कुछ कमीशन होता है, दुकान का भी कुछ मार्जिन होता है, कुछ काम होता है, तो उसका भी कुछ कमीशन, कुछ रेट जो है लिया जाता है। उसी रेट को मैं ऐड करके यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। अभी हमारे पास में और एक फोल्डर है जो कि है यहाँ पे मॉक्सी ब्रांड का ही एक एक्स्ट्रा फोल्डर, यही 9A सीरीज का। उसके अलावा और एक मेरे पास में यही मॉक्सी ब्रांड का एक फोल्डर है जो कि आपको सैमसंग के J सीरीज फ़ोन के लिए देखने को मिल जाएगा। और ये जो सैमसंग के J सीरीज़ फ़ोन होते हैं ना, इसमें सबसे ज़्यादा फोल्डर से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स आते हैं। एक्चुअल में अभी ये जो फ़ोन है ये ऑन नहीं है, मैं नहीं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी ये जो फोल्डर्स है ना मॉक्सी ब्रांड का, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वालिटी में सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। बट अभी ये तो हो गया फोल्डर्स के बारे में। बट ये सारे फोल्डर्स को फिटिंग करने के लिए आपको जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए ना, वो है ये ग्लू। ये जो ग्लू है ना, इसका मॉडल नंबर है T7000 और इसका जो ब्रांड है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो ग्लू है इसकी मदद से आप जो ये सारे फोल्डर्स हैं इसको फिटिंग करते हो। तो ये ग्लू को मैं यूज़ करता हूँ फोल्डर्स वगैरह को फिटिंग करने में। बाकी ऊपर वाला जो फोल्डर है ना वो इसी ग्लू से मैं फिट करता हूँ। बाकी जो फ़ोन का बैक पैनल होता है, अगर किसी फ़ोन में बैक पैनल ग्लास वाला लगाया गया है, लगाना है, तो उस केस में हम कोई दूसरा ग्लू होता है हमारे पास में उसको हम यूज़ करते हैं। बाकी ये जो ग्लू है ये डिस्प्ले को फिटिंग करने के लिए काफ़ी बढ़िया ग्लू यहाँ पे इसको माना जाता है। ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको फोल्डर्स वगैरह दिखा दिए और इसका प्राइसिंग वगैरह भी बता दिया। ये जो ग्लू है ये 100 रुपीज़ में आपको मिलता है। तो गाइस, इस टॉपिक से रिलेटेड और कोई भी सवाल या फिर सुझाव है, या फिर डिस्प्ले वगैरह का जो होलसेल प्राइस है उसके बारे में आपको जानना है, तो मेक श्योर इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हो। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग सा वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।